entire day 3756, but today's agenda is what you see behind me. वो पूरा खाली करके वहाँ पे मेरे को मेरा ड्रीम बैग डिस्प्ले करना है. सो दैट्स हाउ आई गॉट द वेरी 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 फर्स्ट वॉल, वो एक रूम जहाँ से सब शुरुआत करी थी. सो नाउ आई हैव टू ओपन वन गोनी एंड वन कार्टन एंड देन सी व्हाट इज सपोज्ड टू गो हियर एंड व्हाट इज सपोज्ड टू गो देयर. Hi, welcome to moving vlog part 2. So let me first take you through the entire wallpaper process because this time mujhe paint to karna tha, but kyunki itna timelines aage piche tha, we did not really have the time to paint first and then get the furniture. Pehle furniture aa gaya तो आई थॉट कि बहुत मुश्किल होगा पेंट करना, सारा फर्नीचर कवर करना पड़ता है एंड यू नीड एनम स्पेस टू लाइक डू ऑल द डिजाइन. सो आई डिड अ फुल ऑन जुगाड़ विथ वॉल पेपर्स विच वर एक दिन में सारे इंस्टॉल हो गए एक्सेप्ट दिस वन स्पेशल वॉल. तो लेट मी टेक यू थ्रू द प्रोसेस एंड देन आई ब्रीफ यू. वी जस्ट फाइनलाइज आवर वॉल पेपर्स. अनफॉर्चुनेटली फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट क्या दुकान थी, लाइक वेरी वेरी रीजनेबल प्राइसेस. So if you're from Mumbai, I will leave their address down below because I found exactly what I was looking for except one, which is the most important one. But he did say वो ढूंढेंगे. It was clearance का stock था बहुत सारा, which was surplus. Saree came for a very very affordable price, like I'd say 50% less than market rate. Around 3000 per roll is not bad for Mumbai rates. तो अभी वो आएंगे वो fitting करने, उसके लिए सारा सामान हटाना पड़ेगा. तो ये काफी exhausting process है. तो अभी द डोर इज बींग सैंडेड डाउन, मतलब जो भी एक्स्ट्रा प्लास्टिक वास्टिक है ना, लाइक ऑल ऑफ दिस, वो सब निकाल दिया सो दैट द वॉल पेपर कैन स्टिक स्ट्रांगली ऑन दिस. एंड लता ताई द सुपर ह्यूमन इज एट इट. अभी का हाल दिखाती हूँ. सॉरी फॉर द फैन, बट बहुत गर्मी है तो रखना पड़ेगा. सो लॉर्ड ऑफ फर्नीचर इज हेयर, दैट इज मम्मा. सोफा ऐसे है, बाथरूम में तो कुछ करना था भी नहीं. द वॉक इन वार्डरोब इज लुकिंग फाइन बिकॉज मैंने सोचा था कि एक एक ड्रॉअर को आई वॉन्टेड टू पेंट अ डिफरेंट कलर बिकॉज आई हैड सीन दिस इंस्पिरेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट वेयर द पेस्टल होम इज अमेजिंग, बट आई एम लाइकिंग द वाइट वाइब. अभी फ्रिज भी लिटरली इसमें कितना मैच हो रहा है वो वास्तु के हिसाब से वहाँ पर है. इस टेबल का आई डोंट नो वेयर आई कीप इट. And this room, my God. So actually ना ये विंडो पैक करवानी पड़ेगी बिकॉज द वॉटर विल कम एंड देन द स्टफ कैन गेट स्पॉइल्ड एंड दैट इज़ वाई दिस रूम इज़ लाइक सुपर फुल. तो वो जब तक पैक नहीं होता तब तक इसकी हालत ऐसी है. सो आई एम वेटिंग फॉर दिस होल थिंग टू क्लियर अप. अपने आप तो होगा नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा, बट बबलू भैया ही इज़ गोना बी फिक्सिंग दैट. वेटिंग फॉर इसका, वो कर देंगे फिर धीरे धीरे समझा देता हूँ. Oh, not everything is storage of course, because जो drawers है वो सारे like उसमें से आधे तो खाली है, तो उसका सामान भी इसमें. So now I'll have to open one gooni and one carton and then see what is supposed to go here and what is supposed to go there. ऐसे बैठे हैं तो यहाँ पर सोफे का एक हिस्सा पड़ा है, तो हम सिटिंग बाय द विंडो पर, अच्छी हवा आ रही है बिकॉज ए सीज आर नॉट इट इंस्टॉल्ड, बट कमी नहीं लग रही है. एंड देयर इज मम्मी, शी लाइक सिटिंग डाउन. ओके बिफोर समवन कम्स एट मी कि वो ऊपर क्यों नहीं बैठी, शी जस्ट सिट्स डाउन बाय डिफॉल्ट. इट्स लाइट ऑफ द सीट एंड दिस इज द सोफा. इट्स सपोज टू कम ऐसे, लेकिन इट ब्लॉक द वे टू गो इन साइड फॉर द फर्नीचर, इसलिए हमने वो किया नहीं अभी तक. जब भी भूख लगती है वी आर ऑर्डरिंग फूड ओनली अभी तो बाहर से. ऐसे में कहाँ कुकिंग करने का होगा, कितनी अच्छी हवा आ रही है. वी हैविंग पंजाबी भेल एंड सेवपुरी. वी नॉट ट्राइड पंजाबी भेल सो फार, ट्राई इट आउट. उसमें कुरमुरे बिल्कुल नहीं होते, इट्स फुल ऑफ वेजिटेबल्स लाइक बीट रूट, क्यूकम्बर्स, नॉर्मल भेल के वेजिटेबल्स, कांदा टमाटर, कैप्सिकम एंड. तो इट्स रिलेटिवली हेल्दी और एंड काफ़ी टेस्टी लगती है. सो कम्पेयर टू अ सैलड आई लाइक दिस मोर. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. I was one rich little girl, daydreamer, looking at me. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot.
dance our way to church on Sundays. Mama set the pace. Daydreamer, kitten and maid. Take me back, all the way back to them days. Running around in a gown and a crown, barefoot. So that's how I got the very, very, very first वॉल, वो एक रूम जहाँ से सब शुरुआत करी थी. इसलिए मुझे 1 BHK में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज आई वाज लाइक इफ आई कुड डू यूट्यूब फॉर सो मेनी इयर्स फ्रॉम दैट वन रूम जहाँ मैं सोती थी, रहती थी, पढ़ती थी, सब करती थी, देन हाउ कैन दिस प्लेस बी स्मॉलर. तो बस वो एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट है. इट कीप्स रिमाइंडिंग मी कि हमने कहाँ से शुरुआत की, व्हाट वर द हम्बल बिगिनिंग्स. And now what we're up to is organizing the stuff here. Though right now it's not really that cold, so सारे winter clothes हम vacuum कर रहे हैं. So I've taken all the sweaters, थोड़े से डाल दिए vacuum bag के अंदर, and then we'll squeeze out all the हवा. So मम्मी चढ़े है ऊपर to remove वो पूरा winter clothes का pouch. कि vacuum कर ही रहे तो सारा एक साथ ही करेंगे. मैं सोच रही हूँ बहुत रखा है इसको. आई थिंक इट्स टाइम टू यूज इट नाउ. ऑल दीज फैंसी टिश्यूज एंड टिश्यू बॉक्स. पाउच खराब है ना कि कपड़े. बापरे, दिस इज स्कैरी. दिस बेटर वर्क क्योंकि वी आर पुटिंग ऑल आर एग्स इन वन बास्केट. दिस बैग नीड्स टू वर्क. लेट्स सी कि दिस बिग ऑफ अ बैग कितना ही छोटा हो सकता है होकर. दीज बैग्स आर कम से कम 10 साल पुराना. वो पता है हम लोग लंदन के लिए लिया था. अब मैं इस बारे में वहां से लेकर आई हूँ. बट वो टेली शॉपिंग आता है ना, फ्री फ्री फ्री, 5 चद्दर पे 5 चद्दर फ्री. टेक्निकली उस टाइप के किसी शो से हमने मंगवाई थी बैग्स. सो सिंस दे आर सो ओल्ड, वी हैव लॉस्ट द टूल टू शट देम. तो अभी हम बंद कर रहे हैं. एक में है वाह, चलो. तो अब इसमें से एयर एस्केप नहीं करेगी. आई कांट बिलीव लाइक 30 प्लस ह्यूज विंटर क्लोथ्स इतनी छोटी सी जगह में आ गए. लेट्स स्टफ देम इन द सोफा नाउ. वो खाली है तो वैसे क्रिएटिव होना पड़ेगा. रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ. बाय, सी यू. ओ हाँ, अगर रास्ता नहीं है. नीचे का सोफा भी उठ गया है. ए खाली नहीं है ये तो. मम्मा इज गोइंग फॉर इट. Don't worry, the pillows don't get damaged when you do this.
हवा लीक हो रही है कहीं से, मतलब ये बैग फटा हुआ है। ओ नो, आवाज सुना उसमें आ रही है आवाज? नहीं बाहर से आवाज है। नहीं इसकी आवाज है, इसकी आवाज है। अच्छा मतलब यहीं से आवाज आ रही है। ओ तो बराबर बन नहीं है। टुडेज एजेंडा इज व्हाट यू सी बिहाइंड मी, वो पूरा खाली करके वहाँ पे मुझको मेरा ड्रीम बैग डिस्प्ले करना है। प्रीवियसली आई वाज कीपिंग ओनली वन बैग इन वन कंपार्टमेंट, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ लग्जरी एनीमोर बिकॉज स्पेस सेविंग आइडियाज वी नीड टू डू। तो ओम्ब्रे में बैग्स लगाना है, लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। पहले एम्प्टी कर लेते हैं उसको। पूरा मस्त खाली और क्लीन हो गया है, नाउ वी गोना फिल इट। इसमें सिर्फ झुमके रखे हैं ऑक्सीडाइज के, तो अभी सिर्फ ऑक्सीडाइज का ही हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। इसमें लाइक वी कैन से स्टर्ड्स एंड एवरीथिंग वो सारा रखने का प्लान है। इसमें चांद बालिया जैसे भी ऑक्सीडाइज बहुत सारे हैं, सो प्लानिंग के उसको इसमें सेपरेट रखेंगे। और नेकलेस भी लाइक कुंदन वाले और कुछ घुंघरू वाले हैं, तो कोशिश कर रहे जितना लाइक ईजी हो बाद में मैनेज करने के लिए। तो वैसे ऐसे बहुत सारे ट्रेस भी हैं। ये ट्रेस मैं लेके आई हूँ लोकल मार्केट से, बट ऑनलाइन भी मेरी जाती होंगी ना। यस सर, बिल्डिंग। इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें हम लोग ना ये पार्टीशन कर सकते हैं, जैसे आपको जितना चाहिए, कोई छोटा चाहिए कोई बड़ा चाहिए, लाइक दिस। वेरी नाइस। और आप एक ट्रे में यूज नहीं कर रहे कुछ, बहुत कम चीजें, तो ऐसे छोटी छोटी पार्टीशन भी कर सकते हैं। मेकअप रखने के लिए बहुत अच्छा है, ऐसी मेरे लिए भी ली है जिसमें मैंने मेकअप रखा है, जैसे काजल है, लाइनर पेंसिल है, लिप लाइनर है, तो वो सब मैं स्टैंडिंग रख रही हूँ ताकि लाइक जगह भी कम रखे और बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। इसमें सिर्फ ऑक्सीडाइज के झुमके हैं, इसमें भी झुमके हैं, बट ये सारे पर्ल्स और ये प्योरली ऑक्सीडाइज, और इसमें सारे मिक्स वाले, कुंदन वाले, वर्क वाले। ओके, दिस ऑल आर ओनली रिंग्स, सिर्फ रिंग्स है। इसमें सारी ऑक्सीडाइज की पायल्स है, इसमें सारी एक्स्ट्रा चीजें लाइक मांग टीका ये है, कुछ लाइक समथिंग, कुछ ब्रोकन इयर रिंग जो हम लोग यूज कर सकते हैं पूरा, ठीक है। दिस ऑल आर नेकलेस, बट नेकलेस ये सारे बीड्स वाले, वर्क वाले वैसे, और दिस आल्सो नेकलेस, ये प्योर ऑक्सीडाइज के हैं, ठीक है। ये सारे हाथ के कड़े हैं, सिर्फ चूड़िया उधर नहीं आई तो इधर रखिए, सिर्फ चूड़िया। सो वी शिफ्टिंग ऑल द क्लोथ्स दैट मैं बाद में सॉर्ट करूंगी, यहाँ पर पड़े थे इतने सारे, और वो सब यहाँ पर डाल रहा। नाउ ऑल ऑफ दिस, ये सब भी यही आना है। One eternity later. Today I'm gonna organize my makeup. Latata is doing the other little things around, and the miscellaneous pura ye pada hai, this whole tray, and I have to go and keep it in the respective drawers. Us baare yaar show the drawers also yaar ki kaise arrange kara hai. Come, I'll show you. This is the blush. Basically na, what has happened is this drawer is still having my stationery and miscellaneous things. तो जब ये साफ होगा तभी ही ये चीजें इस ड्रॉअर में आ सकती है, लाइक द लिप लाइनर्स एंड द अदर थिंग्स। एंड इधर है न्यूड लिपस्टिक्स एंड
न्यू मॉल्स आर गॉट, डार्क लिपस्टिक्स आर हियर, बट दिस इज द एंड ऑफ मूविंग ब्लॉग पार्ट 2. और तो काफी करना पड़ेगा, शायद पार्ट 3 आ सकता है या सिर्फ डेकोरेटिंग आ जाए, एंड देन आई विल गिव द हाउस टूर वेल बिफोर वी मूव आउट ऑफ दिस होम. पर अपना पहला घर बनाने की फीलिंग ना कुछ अलग ही होती है, एंड आई कुड नॉट हैव डन दिस विदाउट यू एंड योर इंक्लूजन इन दिस होल प्रोसेस. मजा तो आया ही होगा ना देखने में, बिकॉज इट वॉज वेरी रॉ एंड रियल. तो थम्स अप कर दो, सब्सक्राइब कर दो. लुक 60% लेस पीपल आर नॉट सब्सक्राइब, दैट्स नॉट नाइस. ऐसे भी फ्री है यार, कर दो सब्सक्राइब, बहुत मदद हो जाती है. एंड इफ यू डोंट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो बिंदास, विल थम्स डाउन, बट ओनली आफ्टर सब्सक्राइबिंग. आई विल सी इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन, गुड बाय.